मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आज मीडिया के सवालों पर हाथ जोड़ते नजर आए। दरअसल सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर तीखापन अपनाया तो उन पर सवालों की झड़ी लग गई, जिसके बाद वो कैमरे के सामने हाथ जोड़ते नजर आए। कुछ समय पहले ही बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज मुरादाबाद पहुंचे थे और स्थानीय मीडिया से सीए और दूसरे मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। चूंकि आज शाम उनका कार्यक्रम ईदगाह मैदान में चल रहे धरने में होना था, जिसके चलते मुरादाबाद प्रशासन ने उन्हें एक नोटिस जारी करते हुए आगाह कर दिया था कि अगर वो धरना स्थल पर जाकर कोई भाषण करते हुए लोगों को उकसाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पत्रकारों ने सवालों की कड़ी में सबसे पहले वही मुद्दा छेड़ते हुए सवाल पूछने शुरू कर दिए, जिससे नसीमुद्दीन सिद्दीकी बौखलाए और उल्टे मीडिया पर ही हमलावर होते हुए सवाल करने लगे। लेकिन जब उनसे राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ डंडे मारने वाला सवाल पूछा गया तो वो हाथ जोड़ते लगे, वहीं कैमरे के सामने मोदी मोदी कहने लगे। हालांकि उन्होंने नोटिस जारी होने पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सत्ता का दुरुपयोग है और कहा कि इतने लंबे समय तक 144 नहीं लग सकती, ये गलत है। शाहीनबाग में चल रहे धरने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आने वाले फैसले पर भी उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने खुद को एक वकील बताते हुए कहा कि सीए अभी संविधान का हिस्सा नहीं है, इसे वापस लिया जा सकता है। अब एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र, झारखंड हुए हमारे हैं, अब दिल्ली की बारी है। इसके अलावा क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने अभी क्या क्या बयान दिया था कि वो मारेंगे डंडे से, राहुल जी मारेंगे जी, जो भी था सर, जो भी वो आपको जानकारी पूरी होगी, मुझे आपको हमसे ज्यादा जानकारी होगी भाई, मुझे जानकारी है। प्रधानमंत्री को डंडे से मारने वाला जो बयान जो राहुल गांधी ने दिया था कि डंडे से मारने के लिए उन्होंने संसद में, राहुल जी ने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। राहुल जी की बात को आप नहीं बता पा रहे, मैं बता दे रहा हूँ। राहुल जी ने ये कहा था, चाहे जो भी है प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर झूठ बोलेंगे, बार बार धोखा देंगे, युवाओं को ये कहेंगे कि 2 करोड़ नौकरी हम हर साल देंगे और 2 करोड़ की जगह 2 भी नहीं देंगे तो युवा क्या करेंगे, क्या करेंगे युवा? आपको नौकरी की जरूरत है, हमने आपको लालच दिया कि आप हमें पहलवान बना दो, हम कल नौकरी लगवा देंगे, और देखते देखते 6 साल बीत गए, हम अपनी पहलवानी करने में लगे हुए, आपने पहलवान बना दिया, कि आपका गुस्सा होना लाजमी नहीं है, लाजमी ही गुस्सा होना। ये उन्होंने उस गुस्से के बारे में बताया है जो युवा अंदर अंदर कुढ़ रहा है, जल रहा है। डंडे मारने का मतलब ये नहीं है, डंडे मारने का मतलब ये है कि आपने धोखा दे करके, झूठ बोल करके, छल कपट से प्रदेश और देश में सत्ता हासिल कर ली, अब आगे ये नहीं चलेगा। इस देश के युवा, इस देश की जनता, इस देश की महिलाएं, इस देश के किसान अब आपको सबक सिखाएंगे। सरकार की तरफ से तो लगातार माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी तब से माफी मांग लिया, हमने जवाब दे दिया इसका, कौन क्या कह रहा है, हमें लेना देना क्या इससे। क्या करें देखिए मुझे भी वहाँ जाना है। देखिए सीएए और एनआरसी के विरोध में मैं भी हूँ और मेरी कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन संवैधानिक तरीके से संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। अगर ये नहीं होता तो हमारा देश आजाद नहीं होता। गांधी जी ने अगर देश आजाद कराया तो आंदोलन से, विरोध से, लेकिन हिंसा से नहीं, अहिंसा से। इसलिए सीएए जो है वो संविधान को जो है, संविधान की जो मूल भावना है उसका उल्लंघन करता है। सीएए का मतलब क्या है आप मुझे ये बता दें, जिनके लिए वो बना रहे हैं उनको भी धोखा दे रहे हैं और जिनको काट रहे हैं उनको भी धोखा दे रहे हैं। अभी पीलीभीत में रिपोर्ट तैयार की गई कि कितने लोग बाहर से आए, मालूम हुआ कि बांग्लादेश से कई हज़ार लोग आए हैं, और जब उनसे ये कहा गया कि आप सबूत दीजिए कि आप बांग्लादेश से आए हैं तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए। आप बांग्लादेश, पाकिस्तान
और अफगानिस्तान के आए हुए हिंदू सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन को नागरिकता देंगे, मुस्लिम को माइनस कर दिया। ठीक, अभी मैं बाद में आता हूँ उस पर। अब वो जब ये साबित करें ना कि हम तीन देश से आए, वो तो हाथ ऊपर कर रहे हैं, कह रहे हैं बांग्लादेश से आए थे, हमारे पास कोई सबूत नहीं कि हम बांग्लादेश से आए थे, हमारे पास कोई सबूत नहीं कि हम पाकिस्तान से आए थे, हमारे पास कोई सबूत नहीं कि हम अफगानिस्तान से आए थे। क्या मतलब भाई? जो दूसरे देश से आएगा, एक अंडरस्टूड मान लीजिए, अगर छुप के आया वो या मार खा के आया, तो वो क्या वहाँ से उस सरकार से लिखा के लेके आएगा कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, लिख दीजिए कि मैं ये यहाँ के रहने वाला, मैं हिंदुस्तान में जाके दिखाऊँ। या जो लेके आए, आजकल तो ये हाल है कि जो वोट डालने वाला वोटर पहचान पत्र बनता है, हम वोटर हैं, गरीब लोग वोटर हैं, घासपुर की झोपड़ी पूरब में जैसे बना रखी है, वोट डाल के आए उसमें खोल दिया, ठीक है, अब उसमें खोल दिया, चूहा आया तो उसने खा लिया, आग लग गई तो जल गया। अरे जब उस वोटर लिस्ट को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से दस्तावेज लेके आएंगे। दूसरी चीज, एक तो ये हो गया, उनको भी लाभ नहीं मिलने जा रहा। अब क्या है, हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि ये धर्म निरपेक्ष संविधान है, किसी को भी कोई फायदा या नुकसान धर्म या जाति के आधार पर नहीं दिया जा सकता। ऐसा कानून नहीं बन सकता जो जाति और धर्म के आधार पर हो। आपने जाति को भी पूरा कर डाला, संविधान विरोधी। इसके अलावा भारतीय, मैं LLB किया है, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की है, भारतीय संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आर्टिकल 5 उठा के देख ले, अनुच्छेद 5, उसमें भारत को, भारत में नागरिकता देने की का पूरा हवाला दिया गया है। ये जो है ना अनुच्छेद नहीं है, CAA अनुच्छेद नहीं है, एक ये एक्ट है, वो आर्टिकल है, आर्टिकल 5। आर्टिकल ऊपर है या ये आपका एक्ट ऊपर है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान के बाहर का 5 साल तक हिंदुस्तान में रह लेगा, हिंदुस्तान का नागरिक बनेगा, या तो आप उसको खत्म करो। जब खत्म नहीं किया तो वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। काय को बेकू बना रहे हो भाई, क्यों बेकू बना रहे हो? सबसे बड़ी बात क्या है, अयोध्या मुद्दा आपके हाथ से चला गया, कोर्ट ने ले लिया, वही चलता रहता तो CAA नहीं आता। ये तो हिंदू मुस्लिम खाई डालने की साजिश है, देश को बांटने की साजिश है ना। 3 तलाक आप लेके आए, वो भी खत्म हो गया, 370 जो है वो भी खत्म हो गया। अब कौन सी ऐसी चीज लेके आए जो इतना लंबा चले, जिसका हिंदू मुस्लिम का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सके? या इन्होंने जो वादा किया कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते पहुंच जाएंगे, दिमाग कैसे बटे वहां से? 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी, दिमाग कैसे बटे वहां से? अरे मोदी जी, जो आपने कर डाला, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ, क्या एक नहीं 4-4 आपने कर डाला। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है कि जहां हिंदुस्तान के सर्वोच्च अदालत, दुनिया में पहली मिसाल है, सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का रक्षक कौन है? मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके ऊपर सवाल का निशान है। CBI का डायरेक्टर रातों रात बदल गया, RBI का डायरेक्टर छोड़ के भाग गया, 8 नवंबर 2016 को आपने रात को 8 बजे जो है नोटबंदी कर दी, देश बर्बाद हो रहा है। GDP क्या है, क्या कितनी है? बांग्लादेश की GDP कितनी है? हमसे डबल है, हमसे डबल है बांग्लादेश की। अरे भाई, क्यों लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हो? ये साजिश है, संविधान विरोधी है, हम टोटल इसके विरोध में हैं। संविधान के दायरे में रहते हुए मुझे वहां जाना था, प्रोटेस्ट में जाना था मुझे, मैंने अपने प्रोग्राम में लिख के भेजा था। रात को मेरी SSP मुरादाबाद से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है। मैंने कहा अगर गैर कानूनी होगा तो गैर कानूनी काम मैं नहीं करता। इसके बाद आज एक सुबह नोटिस मेरे पास लेकर के पुलिस वाले आते हैं, और नोटिस में क्या लिखते हैं
कि आपको पाबंद किया जाता है, आप 14 फरवरी को, 14 फरवरी क्या है सही भाई, 14 फरवरी, आप 14 फरवरी को हमारे कोर्ट में हाजिर होइए। कमाल हो गया भाई, मैं अभी गया नहीं, मेरी एसएसपी से बात हो गई, मैं निकला नहीं, जो मैंने किया तुम्हारे हिसाब से जुर्म है, मेरे हिसाब से जुर्म नहीं है, चलो जुर्म अगर तुम्हारे हिसाब से, जब मैं वहां गया नहीं तो आपने मुझे पाबंद कैसे कर दिया, मुझे तलब कैसे कर लिया कोर्ट में अपने, अंधेर नगरी चौपट राजा भाई जी। आपके जवाब से दो सवाल मैं खड़ा करता हूं, ये जितनी बातें हो रही है अब सीए